हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। और आज हम करने वाले हैं बढ़िया तरीके से क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स करेंगे हम। 8.12 हम करेंगे, 8.5 फाइव थ्योरम्स करेंगे, और बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेथड से होती है तो एक से रट के साइड में कर लेंगे, नहीं। अगर दो आइडियाज लगते हैं तो उनको भी शेयर करेंगे, आपके पास कुछ आइडिया तो आप भी शेयर करेंगे। तो हम फाइव थ्योरम करते हैं प्रोडक्टिव वे में, ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर की सोचनी है, सिर्फ प्रेजेंट पे काम नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी गुड़िया भी परेशान थी कि थ्योरम कैसे करें यार, थ्योरम। तो अब आप देखना, आप भी खुश होंगे वीडियो के बाद और ये भी खुश होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। बोल रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कंग्रेंट ट्रायंगल। अब जो पैरेललोग्राम है मेरे पास ये है, इसके जो डायगोनल है इसको टू कंग्रेंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और जो ट्रायंगल ए सी डी है, ये दोनों कंग्रेंट होनी चाहिए, ठीक है। हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है। तो पहली बात तो ये, जो भी हमें गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये लिखा प्रॉपर वे में। आपको करना कैसे, फिर हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि ट्रायंगल ए बी, ए बी सी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, क्लियर। और उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने कंस्ट्रक्शन की कि हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए सी एज डायगनल, क्योंकि वो एक डायगनल है। इस तरह से थोड़ा सा आपको लिखना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको थ्योरम्स को लिखना है, डेकोरेट तो नहीं करना, उसको अच्छे से डिफाइन करना है। अब आपको जो चीज प्रूव करनी है, ट्रू प्रूव करना है, उसको आप लिखोगे कि प्रूफ। बस थ्योरम के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। हमें फाइनली प्रूव क्या करना है भाई, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूव करनी है। तो पहले देखो क्या प्रूव करना है और फिर देखो कैसे कैसे होगा। कंग्रेंट या तो ट्रिपल एस रूल लगता है, कंग्रेंट के लिए या तो ट्रिपल एस लगेगा या एस सी एस लगेगा या डबल ए एस लगेगा। मतलब या तो सास लगेगी या आस लगेगी, या आस और सास लगी तो ट्रिपल एस ससुर जी भी लगेंगे। ये तीनों चीजें मिलके कंग्रेंट करती हैं। तो या तो तीनों साइड हो, या दो एंगल एक साइड हो, या दो साइड एक एंगल हो, कुछ भी मिल जाए कंग्रेंट हो जाएंगे। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन में ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और हम लिख सकते हैं सेम ए डी इक्वल टू बी सी, लिख सकते हैं हम ए डी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं ये भी, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। और देखो ए सी हमारी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये ए सी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो तीनों चीजें मिल गई मुझे, मुझे ट्रिपल एस मिल गया। अगर ट्रिपल एस मुझे मिल जाता है तो मैं कह सकता हूं बाय ट्रिपल एस क्या लिख सकते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट। अगर इसको आपने लिख लिया, मैं इसको रब कर देता हूं, इस चीज को मैं रब कर देता हूं, तो मैं कह सकता हूं बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी सी
कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, इज इट क्लियर? ये इसकी कंग्रेंट है, बोल सकते हैं। अब क्या कोई और मेथड है कि जिससे ये कंग्रेंट हो सकती है? ट्रिपल एस तो लग गया, क्या आस भी लगेगी, क्या सास भी लगेगी? देखो लग सकती है। अब जो कि ये पैरेललोग्राम है, अब अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ये सी डी और ये ए बी, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं, सी डी, एक और बात करता हूं, सी डी क्या है, पैरेलल है। दूसरा मेथड लेते हैं, सबसे पहले राइट स्केच लेंगे, पैरेलल है ए बी के, और जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल है, ए सी ट्रांसवर्सल है, मानते हो? तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, यानी अगर मैं इसको वन मानू और इसको मान लू टू और इसको मान लू थ्री और इसको मान लू फोर, ठीक है। अब देखो वन बराबर होगा टू के, एंगल वन बराबर एंगल टू के होगा, ये कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल। ये मेथड मैंने आपको डिटेल में करा दिया, ट्रिपल एस वाला, इनका मैं हिंट दे देता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब वन और टू अल्टरनेट हो गए, अभी आप इसको छोड़ दो, इस थ्री और फोर को भी से कभी छोड़ दो, इसको अभी हम नहीं लिखते, आपने वन और टू लिख दिए, एक एंगल आ गया, दो साइड कर दो, ए बी, ए बी लिख दो बराबर सी डी के, और ये ए डी लिख दो बराबर बी सी के, तो दो साइड हो गए, एक एंगल हो गया, सांस लग गई। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर है सी डी के, और मैं लिख सकता हूं बी सी बराबर है ए डी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर सास लग सकती है, सास लग गई, यानी एक एंगल दो साइड, तो भी ये कंग्रेंट हो सकती है। तीसरा मेथड अगर हम देखें, हमने सास भी लगा ली, ससुर जी भी लगा लिया, अब आस तो नहीं लगाई, इनसे आस भी तो होनी चाहिए, है ना? तो आस इनसे अगर देखें, अब ये आपने नोट कर लिया होगा फर्स्ट मेथड, तो मैं यहीं पे कर देता हूं, ये आपने देख लिया होगा, मैं यहां पर ही कर देता हूं। अब देखो, अब वन और टू बराबर है, और अगर मैं बात करूं, इसको मैं मान लेता हूं, इसको थ्री मान लिया और इसको फोर मान लिया, तो अब अगर आप बात करें, थ्री और फोर भी इक्वल होंगे, थ्री और फोर भी इक्वल होंगे, कैसे? अगर मैं ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो मतलब अगर मैं बात करूं ए डी पैरेलल टू बी सी, और इनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, ए सी, ए सी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है इनकी, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल थ्री बराबर होगा एंगल फोर के, है ना? ये अल्टरनेट हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर, और ऐसे ही सेम हमने पीछे लिखा था। अब अगर मैं DC और AB के पैरेलल करूं तो वन और टू भी बराबर हो सकते हैं, ये भी अल्टरनेट है, और कोई भी एक साइड ले लो, इस साइड को कॉमन ले लो, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो यहां पर अगर आस लगा दें तो आस से भी एक कंग्रेंट हो जाएंगी। तो तीनों चीजों से आप कंग्रेंट करते हो, जो आपका दिल करता है वो करो, बट एनालिसिस जरूर करो, एनालिसिस जरूर करो कि क्या किसी और तरीके से भी हो सकता है, क्या एक ही मेथड है इसका। एनालिसिस करोगे, जितना अपने आप को पेपर से पहले एनालिसिस करोगे, उतना पेपर में आपको तंग नहीं होना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आओगे। जितना अपने आप को बाउंड रखोगे, लिमिट रखोगे प्रिपरेशन से पहले, उतना ही ज्यादा पेपर में तंग होना पड़ेगा। सोचना, सोचना पहले करो, ठीक है? तो अभी इन तीनों मेथड में से जो आपको ठीक लगे अप्लाई करो, समझो यार, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम 8.2 क्या कह रही है देखते हैं। इन पैरेललोग्राम
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें प्रूव क्या करना है? पहले तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बढ़िया सी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको लिख देते हैं ए बी सी और डी। ध्यान से समझना, हर एक चीज अच्छे से समझना। प्रूव करना है कि इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी हमें पहले लिख लो, पहले गिवन क्या है। गिवन तो हमें कुछ दिया ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहे, बस गिवन में ये है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, बस। कहते भाई इतना ही दे सकते हैं, बाकी खुद दिमाग लगाओ यार, है ना। और उसके बाद हमें टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि अपोजिट साइड ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ये टू प्रूव कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं क्या हमने एसी को ज्वाइन करा है, ज्वाइन एसी डायगोनल। क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, हमें प्रूव करना अपोजिट साइड इक्वल। बड़ा सिंपल है, पहले सोचो कि कैसे अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड को इक्वल कैसे करेंगे। दो इनमें अगर देखो तो ये दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, बन रही है। कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए बी सी बन रही है और ट्रायंगल ए सी डी बन रही है। ये दो ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव कर दूं तो बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, वहां से साइड्स इक्वल हो जाएंगी, दोनों कंग्रेंट होगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्या है मुश्किल है, पहले थ्योरम पे पहले सबसे पहले तो घबराओ मत, उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या चीज है, क्या मांग रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बस अप्लाई कर दो। तो मुझे अप्लाई क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ में लिखना है, प्रूफ में मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाई थी कि कैसे करनी है, ठीक है। वैसे आप लिख के छोड़ सकते हैं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम जो कंग्रेंट करते हैं ट्रायंगल को, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कट द पैरेललोग्राम इन टू कंग्रेंट ट्रायंगल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कट द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्रायंगल लिख सकते हो, वरना आप दिखा सकते हो। मैंने फर्स्ट थ्योरम में आपको कर दिया कि कैसे उनमें से एक मेथड अप्लाई करके इसको आप कंग्रेंट प्रूव कर लोगे। अब जैसे ही कंग्रेंट प्रूव होगी तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी, ये सी पी सी टी क्या है, सीपीसीटी क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कंग्रुएंट बस ये सेकंड थ्योरम है। बताओ क्या है इसके अंदर, अगर थ्योरम आई तो यहां से फर्स्ट पार्ट में से एक थ्योरम आ सकती है। बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
ऑफ क्वाड लेटरल इज इक्वल, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। मतलब हमें सबसे पहले गिवन गिवन क्या है, हमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है। हमें क्या इक्वल दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है ए बी सी डी। भाई यहां पे सी आएगा, यहां पे सी आएगा, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, ये दोनों हमें दिए हुए हैं इक्वल, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एसी को ज्वाइन किया, ज्वाइन एसी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमको क्या टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या, एट द एंड हमें प्रूव करना क्या, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। फिर लास्ट में हम उसका प्रूफ देंगे, उसका प्रूफ देंगे। अब प्रूफ कैसे दे सकते हैं, पहले इस चीज को समझो कि क्या चीज है, हमने कहां तक जाना है, ये चीज समझो आप, क्लियर। कैसे समझेंगे, हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात ये है कि अगर हमारे मान लो मेरे पास ये दो लाइन है और उसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब अगर अल्टरनेट लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए या पैरेलल पैरेलल लाइंस की कोई भी प्रॉपर्टी लग गई, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, इंटीरियर लीनियर पेयर, तो हम कह सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल है। अगर मैंने इनको भी पैरेलल प्रूव कर दिया, एक ही पैरेलल प्रूव करनी है, बस काम बन जाएगा आपका। कैसे, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या करता हूं, कंग्रेंट बना देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों को कंग्रेंट प्रूव कर दो आप। कैसे प्रूव करोगे, मैंने पीछे बताया, फिर भी मैं लिख देता हूं, ए बी इक्वल टू सी डी आपको दिया है और साथ में आपको क्या दिया है, BC इक्वल टू AD दिया, BC इक्वल टू AD, ये चीज आपको गिवन है, मानते हो। और साथ में यहां पर लिख देता हूं, ये चीज आपने लिख ली होगी, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। और साथ में मैं क्या कह सकता हूं, ये AC दोनों में कॉमन है, एसी कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं बाय ससुर जी, बाय ट्रिपल एस, कि ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। अब अगर कंग्रेंट है तो ध्यान से समझिएगा, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, इसको अगर मैं वन मानू, इसको अगर टू मानू, तो इक्वल बोल सकता हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सो देयर फोर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी अब बाय सीपीसीटी, ये हमने लिख दिया। और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब और कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं देयर फोर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, बस काम बन गया। एक कंग्रेंट प्रूव करने से सारा कुछ हो रहा है, क्लियर, सारा काम बन रहा है। देखो अब क्या कर सकते हैं, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल आ जाए और पैरेलल आ जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, दूसरा कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल इक्वल हमें दिया हुआ है, इक्वल हमें एक दिया हुआ है, दोनों दिए हुए थे, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, हमें दोनों इक्वल दिए हुए हैं गिवन में, गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के, हमें गिवन में दिया हुआ है। अब हमारा एक पेयर इक्वल भी आ गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी जो कि दिया हुआ है, और पैरेलल भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर ए बी सी डी
इस पैरेललोग्राम। अब रीजन क्या रहेगा अगर मैं आप ये रब कर दू तो, मैं यहां पे लिख देता हूं रीजन क्या रहेगा। इफ रीजन में लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे रीजन लिख देता हूं आपको। इफ वन पेयर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इक्वल टू सी डी हमें दिया था, पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, बस एक पेयर आ गया बस। सिमिलरली अगर आप चाहो तो सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही मेथड करना है यार, एनालिसिस करो। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, इस एंगल को इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब आप सेम दोनों ट्रायंगल आपने कंग्रेंट प्रूव कर दी तो थर्ड और फोर्थ भी क्या होंगे, बाइसिपिसिटी इक्वल होंगे, अल्टरनेट आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, आपका ए डी और बी सी इक्वल होंगे, पैरेलल हमने प्रूव कर दिया क्योंकि इनका अल्टरनेट आ गया, तो उस केस में भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अब जो ये अल्टरनेट आया है इस केस में आप लिख सकते हो कि इनकी जो ए डी और ये बी सी है ये पैरेलल लाइन होगी और ए सी इनकी ट्रांसवर्सल होगी, ऐसे आप लिख भी सकते हो। वन और टू की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करो क्वेश्चन का, ये वन है और ये टू है। वन और टू की अगर बात करूं तो इसमें मैं लिख सकता हूं ये सी डी और ये ए बी, ये पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, बस ये लिखना है इतना सा सार, फुल मार्क्स आपके आएंगे। एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीकों से कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या आप मानते हो? मानना तो पड़ेगा ही वरना शर्मा जी का लड़का नंबर ज्यादा ले जाएगा, है ना, फिर आपकी पिटाई होगी। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर थोड़ी सी दही लेंगे, है ना, नहीं उसके बाद क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, डायगोनल तो इसमें बनाना पड़ ही रहा है, फिर हम इसको मार्क कर देते हैं कि ए बी सी डी। इसने बोला है कि इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, प्रूव करना है हमें, ये थ्योरम है। तो हमें जो चीज पहले हम देखते हैं, हमें गिवन क्या है कि भाई दे क्या रहे हो आप, इसने दिया तो बस ये है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, बस ये दिया इसने, कहता बाकी आप खुद करो यार, थोड़ी मेहनत खुद भी करो ना। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया ज्वाइन ए सी एज डायगोनल, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन होगी गिवन होगी हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना क्या, लेके क्या आना है मार्केट से, चीनी लेके आनी है, क्या लेके आना है, टू प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और हम क्या कर सकते हैं, और सेम एज इट इज एंगल सी ये वाला और ये वाला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, हम ये भी कर सकते हैं। Is it clear? So just you have to prove these two angles. अब इसके लिए हम क्या करें, वही बात है ना, पहले आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है, एनालिसिस करना है कि क्या चीज चल रही है और कैसे आप सोच सकते हैं। अब मैं इसको कैसे इक्वल प्रूव करूं इन दोनों को, कैसे, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये हो जाएंगे सेम ऐसे, ये हो जाएगा सिमिलरली, बड़ा अच्छा वर्ड है सिमिलरली, लिख के हम क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं ना। बट अब इसको कैसे करें, अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूं, मुझे और कोई मेथड नहीं दिख रहा, मुझे ये नहीं है कि भी थ्योरम्स में एक ही मेथड में चलना है, जो माइंड में आता है एनालिसिस करो और अप्लाई कर दो। अगर मैं इसमें देखूं, मैं अगर बात करता हूं किस किस की, प्रूफ में लिखते हैं पहले, प्रूफ
ट्रायंगल एबीसी और मैं बात करूं किसकी, एंड ट्रायंगल एसीडी, अगर मैं इन दोनों को वन और टू इन दोनों को अगर मैं कंग्रेंट प्रूव कर दूं, तो कंग्रेंट प्रूव करने के बाद बाय सीपीसीटी मैं एंगल बी और डी को इक्वल लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? एंड कंग्रेंट हमने तीन क्वेश्चन में प्रूव करनी सीख ही ली है, बट फिर भी आप चाहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये पैरेललोग्राम है मानते हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू सी डी, और मैं ये भी लिख सकता हूं बी सी इक्वल टू ए डी। ये हमें गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और साथ में मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए सी इक्वल टू ए सी ये कॉमन है। ये तो आपको प्रूव करनी आ ही गई कंग्रेंट, ये तो पहली थ्योरम है, बस कंग्रेंट होगी। अब अगर कंग्रेंट होगी सो देयर फोर बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो अब क्या कर सकते हैं, बाय सीपीसीटी क्या चीज, ट्रायंगल ये दोनों कंग्रेंट है, बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब आप देखो क्या ये अपोजिट पेयर है ना, क्लियर है? सिमिलरली अगर आप इस डायगोनल को ज्वाइन करो, मान लो मैंने ये पैरेललोग्राम यहां पे बना दी, अब सिमिलरली अगर आप इस डायगोनल को ज्वाइन करो, यहां पर ए बी सी डी है, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे फिर आप इन दोनों को कंग्रेंट कर दो, आपका ये वाला पेयर अपोजिट इक्वल आ जाएगा, इतना सफिशिएंट है। अब आप यहां पे लिखोगे सो सिमिलरली यू कैन राइट इट सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बी और डी हमने कर दिया, ए और सी भी लिख सकते हैं, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्लियर? तो यहां पर क्या फंडा अप्लाई हुआ, पहले चार क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको कंग्रेंट करना आना चाहिए, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सीपीसीटी अप्लाई कर रहे हो, तो क्वेश्चन हो रहा है सीपीसीटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सीपीसीटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा अच्छे तरीके से और शॉर्ट वे में करेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं, प्रॉपर टू द पॉइंट बात करते हैं। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन, अब भाई उल्टा दे दिया, मतलब ये कर क्या रहा है, मतलब ये कमाल कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि इक्वल प्रूव करो, अब कह रहे हैं अगर इक्वल दे दिया तो पैरेललोग्राम प्रूव करो, उसकी वाइस वर्सा कन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, बना लेते हैं, तो वो तो बनानी पड़ेगी है ना, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक बढ़िया सी लाइन लगाते हैं, यहाँ पे हमें डायगोनल ज्वाइन करना है, तो डायगोनल आई थिंक कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरह से ये बन गया। अब इसको मार्क कर लेते हैं कि ए बी सी डी, अब सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आप जितना भी स्टेप लिखोगे बट सब जो स्टेप है वो सही होने चाहिए, उनके भी मार्क्स मिलेंगे आपको, तो जो भी आता है क्वेश्चन में पहले उसको थोड़ा बहुत लिखो कि क्या कुछ है, कुछ तो छोड़ो मत उसको, कुछ तो करके आओ। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, तो सबसे पहले हम गिवन लिख सकते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है, इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं, और हमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन तो भाई साहब ये डायगोनल बड़े काम आ रहे हैं हमारे, बहुत हेल्प की है, एसी ज्वाइन डायगोनल हमें इनका थैंक यू बोलना चाहिए, आभारी हैं हम इन डायगोनल के, अगर ये ना होते तो कोई क्वेश्चन ना होता है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, अब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन है पहले उनको सोचो, कोई भी पैरेललोग्राम या कोई भी दो लाइनों को अगर हम पैरेलल प्रूव करें, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो तो ये दो लाइन पैरेलल होंगी, ये मानते हो,
अगर मान लिया मेरे पास दो लाइन इस तरह से है और ये एक ट्रांसवर्सल है, अगर मैंने इन दोनों इंटीरियर पेयर का सम 180 प्रूव कर दिया तो भी ये पैरेलल है। मतलब पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी अगर लग जाती है तो वो लाइन पैरेलल बोल सकते हैं हम। हमें प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल भी हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकते हैं और लीनियर इंटीरियर पेयर भी। जैसे दो लाइंस है, दो लाइन है, अगर मान लिया उनकी ये दोनों इंटीरियर पेयर मैंने 180 के प्रूव कर दिए तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, थ्योरम से घबराना नहीं आपको। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ। प्रूफ में मुझे एक चीज पता है कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का जो सम होता है, फोर एंगल्स का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो मानते हो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वैसे इसमें डायगोनल ना भी ज्वाइन करें तो भी काम चल सकता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे रीजन लिख सकते हो, एंगल्स सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पे आप रीजन लिख सकते हो। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर मैं इन सब को, मुझे ना इस डायगोनल को आप रबी कर दो, इस डायगोनल को हम खत्म करते हैं। अगर इस डायगोनल की बात करें तो डायगोनल अगर रिमूव करना हो तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, अगर मैंने इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एंगल को 180 प्रूव कर दिया तो ये लीनियर इंटीरियर पेयर है, ये 180 प्रूव हो जाएंगे तो मैं AD और BC को मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, लिख सकता हूं। तो मैं A और B पे फोकस करूंगा तो C और D को भी मैं A और B में कन्वर्ट कर दूंगा। C किसके इक्वल है, A के, तो इस C की जगह मैं A लिख सकता हूं, प्लस D किसके इक्वल है, B के, तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, B लिख सकता हूं। और यहां पर एक एंगल A ये पड़ा है, एक एंगल ये पड़ा है, प्लस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखो दो एंगल ए हो जाएंगे और प्लस में टू एंगल बी हो जाएंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री, और जब ये टू नीचे जाके डिवाइड होगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस बात बन गई, ए और बी 180 डिग्री आ गया तो हम लिख सकते हैं, मैं कहां पर लिखूं, यहां पर तो प्लेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे अगर बनाना चाहूं तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो यहां पर करते हैं, ए बी सी और डी, देखो ये दोनों का सम 180 आ चुका है, इन दोनों का सम। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर इंटीरियर पेयर, तो किसी भी दो लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी है और दोनों एंगल का सम 180 आ जाए वो लीनियर इंटीरियर पेयर हो गया, तो हम बोल सकते हैं, तो देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी। अब ये पेयर तो आ गया, बट मुझे तो ये वाला पेयर भी करना है ना। अब ये वाला पेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहीं से क्वेश्चन होगा, यहीं से। अब इसको मान लिया आपने फर्स्ट, मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें पता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, बट अगर मैं ए प्लस डी भी कर दूं, अगर मैं ए प्लस डी 180 कर दूं तो ए प्लस डी 180 होने से ये दोनों इंटीरियर पेयर हो जाएगा। अब इसको रब कर दो, इसको इसकी तरफ मत फोकस करो आप, अब यहां पे चलो, अगर मैं इन दोनों को 180 कर दूं तो भाई ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये 180 हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल बोल सकता हूं। पहले मैंने ये दोनों प्रूव कर दी, कौन कौन सी, AD और BC, अब इनको कर देता हूं। अब देखो A तो मेरे पास ही पड़ा, अब काफी सारे स्कूल्स में भी और दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी दोबारा से ये चीज अप्लाई करते हैं, बट नहीं, आप यहीं पे बी को पुट कर दो, बी किसके इक्वल दिया और डी के इक्वल गिवन है, बस यहीं पे चेंज कर दो,
ए प्लस बी 180 है तो इसको मैं ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं। रीजन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, ये रीजन है, क्लियर। अब ए और डी अगर 180 आ गए, ये दोनों 180 आ गए, तो देयरफॉर ये कौन सा लीनियर इंटीरियर पेयर हो गया, सो देयरफॉर अगर ये लीनियर इंटीरियर पेयर है, सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब देखो ये भी पैरेलल आ गई और ये भी पैरेलल आ गई, तो दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल आ चुके हैं तो हम पैरेलल बोल सकते हैं। सो अब अगर आप इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ना भी मानो तो काम चल जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ये थी हमारी थ्योरम, सबने फाइव्स करी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे फॉलो कीजिएगा केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस के नाम से। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।